वही नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे से लेकर अंदरूनी क्षेत्रों में भी रोका छेका अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही लगातार जारी है। अब तक 395 नग आवारा पशुओं को 1.5 महीने में पकड़ा जा चुका है। ऐसे मवेशियों को पकड़कर कोसानगर गौठान में रखा जा रहा है। निगम भिलाई आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर निगम की विशेष टीम आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए बनाई गई है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी नोडल अधिकारी के निर्देश पर लगातार आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए टीम काउ कैचर लेकर सड़कों पर दलबल के साथ निकल रही है। रोका छेका अभियान के तहत टाउनशिप क्षेत्र में भी पशुओं को पकड़ने अभियान चलाया गया है। साथ ही गदा चौक, अवंतीबाई चौक, कुरुद रोड, गौशाला, आकाशगंगा, शांतिनगर, वैशाली नगर, पावर हाउस फल मंडी आदि स्थानों से भी आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की गई है। टोल फ्री नंबर 1100 में भी संपर्क करके आवारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई साल भर से की जाती रही है। वर्षा ऋतु में खासकर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया जाता है। निगम ने 6 जुलाई से महाअभियान चलाना प्रारंभ कर दिया था, तब से नियमित रूप से भिलाई शहर के आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के चलते दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए आवारा पशुओं को पकड़ने का वृहद अभियान नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह बैठे आवारा पशुओं को पकड़कर उचित स्थान पर रखा भी जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।